तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको टीसी कंपनी के कॉन्ट्रैक्टर को खोल के और उसके पॉइंट को बिल्कुल रिपेयर करके पैक करना बताएंगे। तो देखिए दोस्तों हमने इसको खोल दिया है, तो इस वीडियो में हमने आपको खोलना नहीं सिखाया, लेकिन जैसे आप इसको खोलेंगे उसी प्रकार से इसको पैक करेंगे, तो पैक करने पर आपको पता चल जाएगा खोलना किस प्रकार से है। तो ये देखिए दोस्तों हमने यहाँ पर इनके पॉइंट को अच्छी तरह से पानी से वॉश कर लिया है और बिल्कुल डिटॉल से वॉश करके यहाँ पर सुखा दिया है धूप में। अब सूखने के बाद में हम इसको क्या करेंगे, यहाँ पर फिटिंग करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब ये सूख चुके हैं तो इनको हम असेंबल करेंगे और किस प्रकार से ये असेंबल होते हैं इसको आप वीडियो को देखकर समझ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये लेंगे और इसको हम क्या करेंगे, ये हमारा मेन पार्ट, इसको एनो को हमने साफ कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, ये हमारा मेन पार्ट लेंगे जिसमें हमारे तीन पॉइंट अंदर के साइड रहेंगे और इसको हम यहाँ पर इस प्रकार से बिठा लेंगे। ठीक है दोस्तों, बिठाने के बाद अब हमारे ये तीन पॉइंट, सबसे पहले हम ये तीन पॉइंट लेंगे और इन्हीं तीनों पॉइंट को रेजमाल से अच्छी तरह से इस प्रकार से रेजमाल से हम साफ कर लेंगे। आपको अच्छी तरह से इसको साफ कर लेना है ताकि ये क्लीन हो जाए। ये देखो दोस्तों ये बिल्कुल क्लीन हो चुके हैं। इसी प्रकार से हमने ये तीनों पॉइंटों का अच्छी तरह से साफ कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, इनको ऐसे अंदर की साइड डालेंगे, ऐसे अंदर की साइड तीनों को डाल देंगे। ये डाल दिए हमने तीनों। अब हम क्या करेंगे, इसको इनमें तीनों में ये डाल देंगे, इसके ऊपर जो स्प्रिंग, जहां पर हमारी स्प्रिंग फिटिंग होगी उसको हम तीनों को अंदर डाल देंगे। ये डाल दिया हमने, ठीक है दोस्तों कंप्लीट। अब हम क्या करेंगे, हमारी तीनों स्प्रिंगें इसमें ऐसे डाल देंगे। ये डाल दिया हमने, ये कंप्लीट। अब हमारा ये ऊपर वाला हेड एंड ब्लॉक, ऊपर वाला ये पैकिंग, इसको ऐसे रखेंगे और इसको फिटिंग कर देंगे। इसको दोस्तों सावधानी से फिटिंग करना है, नहीं तो ये टूट सकता है। ठीक दोस्तों, अब ये फिटिंग हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, थोड़ा इसको मैं जूम कर देता हूं ताकि आपको अच्छी तरह समझ में आए। ये पैक हो चुका है, अब तीनों पॉइंट हमारे कनेक्ट हो चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये एनो पॉइंट डालेंगे और एनो पॉइंट को भी हम क्या करेंगे, रेजमाल से थोड़ा साफ कर लेंगे और एनो पॉइंट को हम क्या करेंगे, इस तरह से अंदर की साइड डाल देंगे ये, और इसको हम इस तरह से ये सेट कर देंगे। ठीक है दोस्तों, अब दूसरा एनो पॉइंट, ये हमारा दूसरा एनो पॉइंट लेंगे और इसको भी हम क्या करेंगे, रेजमाल की सहायता से साफ कर लेंगे और इसको भी हम क्या करेंगे, इस तरह से हम ये फिटिंग कर देंगे और इसको अच्छी तरह से यहाँ पर ठोक देंगे। ठीक है, अब ये हमारा एनसी पॉइंट है और एनसी पॉइंट को भी हम क्या करेंगे, रेजमाल से अच्छी तरह से साफ करने के पहले अब हम इसको भी एनसी पॉइंट को भी इस तरह से अंदर की साइड डाल देंगे। इसको हम थोड़ा सा ऊपर से ठोक लेंगे। ठीक है दोस्तों, अब ये दूसरा एनसी पॉइंट है, ये दूसरा वाला एनसी पॉइंट लेंगे और इसको भी हम इसी प्रकार से रेजमाल से थोड़ा साफ कर लेते हैं। हमने रेजमाल से साफ कर लिया है, अब हम यहाँ पर इसको भी इसी प्रकार से फिटिंग करके यहाँ से थोड़ा सा ठोक लेंगे। ठीक है दोस्तों, अब ये हमारा कंप्लीट हो चुका है, अब ये कंप्लीट हो चुका। अब हम क्या करेंगे, इनको अंदर डालेंगे, तो इनको भी पहले हम रेजमाल से इसी प्रकार से साफ कर लेते हैं। सभी छह पॉइंट को पहले साफ कर लेते हैं, वीडियो को यहाँ थोड़ा स्किप कर लेते हैं। अब देखिए दोस्तों, हमने यहाँ पर ये फ्रेश बिल्कुल पॉइंट साफ कर लिए सभी को, सभी ये छह को छह पॉइंट साफ कर लिए हमने। अब हम क्या करेंगे, इनको पॉइंट को हम इसमें डालेंगे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ये स्क्रू तीनों पे पहले उंगली रख लेंगे तीनों पे ताकि ये गिरे ना, और इसमें हम ये
इनके स्क्रू डाल देंगे। अब अपन क्या करेंगे, स्क्रू डाल के इनको टाइट कर लेंगे, अच्छी तरह से टाइट कर देंगे। ठीक है, अब हम दूसरी साइड इसी प्रकार से ये डालेंगे। दोस्तों ये बता देता हूँ, ये पुराना था, हमने इसको यहाँ पर पॉइंट वगैरह साफ करके हमने यहाँ पर कंप्लीट नया जैसा बना दिया है। और दोस्तों ये हमने यहाँ पर इसको 500 रुपये में खरीदा है, क्योंकि ये थोड़ा बहुत कंडीशन का था सही। तो अब हम इसको रिपेयर करके कम से कम इसको 6,000 में हम लगा सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, 5,500 रुपये हम इसी प्रकार से रिपेयर करके कमा सकते हैं। ये हो गया कंप्लीट। अब हम क्या करेंगे, इनको असेंबल करेंगे। तो ये हमारा मैग्नेट है और इसमें हम ये हमारा पैकिंग लगा लेते हैं और इसको हम तिरछा करके ऐसे डाल लेते हैं अंदर। ये डाल दिया हमने कंप्लीट। अब हम क्या करेंगे, इसके ऊपर ये कोयल रखेंगे। और ध्यान रखिए, आपके जिस साइड से ये लॉक है उस साइड से आपको ये 1 पॉइंट यानी कोयल का A2 रखना है। ये रख दिया हमने। अब यहाँ पर इसको हम इस तरह से फिटिंग करके ये NO पॉइंट हम इधर की साइड रख लेंगे और इसको ऊपर ये स्प्रिंग आपको इस प्रकार से रखनी है। इसको ऐसे रख के यहाँ पर ये बड़ी वाली जो हमारी सबसे बड़ी जो हमारी स्क्रू है उसको हम डाल लेंगे और इनको अच्छी तरह से टाइट कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, अब ये ऊपर वाला कवच, ये हमारा कंप्लीट है, ये हमारा एनो पॉइंट है और नीचे की साइड हमारा एनसी पॉइंट है। ठीक है दोस्तों, और ये हमारा ऊपर इसको कवर को लगा लेंगे। ठीक है दोस्तों, अब हम क्या करेंगे, ये हमारे NO और NC के पॉइंट को हम इस प्रकार से लगा लेंगे अच्छी तरह से। इसको भी लगा लेते हैं। लग गया कंप्लीट। अब हमारे ये लगा लेते हैं। ठीक है दोस्तों, ये देखिए दोस्तों, अब ये पूरा पूरा फर्क कर रहा है, कंप्लीट फर्क कर रहा है।
तो ये देखिए कहीं से दोस्तों लग रहा है आपको ये पुराना है, कहीं से ही नहीं लग रहा, बिल्कुल नया जैसा लग रहा है। तो आप इसको अब 6000 में कहीं भी लगा सकते हो। ये लॉक वगैरह बिल्कुल कंप्लीट है। तो दोस्तों इसको खोलते किस प्रकार से, अगर आपको ये वीडियो देखनी है तो हमने इसकी वीडियो पहले ही अपलोड कर चुके हैं खोलने की वीडियो। तो आप हमारे चैनल को खोले और आपको थोड़ा नीचे की साइड स्क्रॉल करना होगा, क्योंकि ये वो वीडियो हमने बहुत पहले डाली थी, तो वहां से भी आप इसको खोलना सीख सकते हो। तो वैसे तो मैं बोल सकता हूँ कि खोलने जैसा हमने आपको फिटिंग करना सिखाया उसी प्रकार से खोलना है, तो खोलने में कोई बड़ी बात नहीं है, फिर भी आप हमारी वो वीडियो देख सकते हैं। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी, अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसी और नॉलेजेबल वीडियो आपके पास आपके मोबाइल में रिंगटोन की तरह बजे और आप इस मेरे चैनल के थ्रू या मेरे थ्रू आप कुछ नॉलेज ले, ग्रेन करें नॉलेज ले, तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा दोस्तों। तो वीडियो को लाइक कर दे, अभी कर दे, हो सकता है आपने पहले कर दिया लेकिन डबल वाला लाइक मत करना, आपने पहले अगर लाइक कर दिया हो तो, अगर फिर भी आप भूल चुके हो तो अभी लाइक करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय दोस्तों।